खबर। माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ प्रयागराज पहुंच गए। कल दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस वारंट बी के तहत रिमांड मांगेगी। उमेश पाल हत्याकांड में साजिश रचने के नामजद माफिया अतीक अहमद को अदालत में पेश करने के लिए पुलिस की कड़ी निगरानी में प्रयागराज लाया गया है। यहाँ उसे नैनी जेल में ही रखा गया है। अतीक अहमद के अलावा बरेली जेल से माफिया के भाई अशरफ को भी प्रयागराज लाया गया है। पिछले दिनों पुलिस टीम ने अदालत से जारी बी वारंट को जेल में तामील कराया था। उमेश पाल हत्याकांड में साजिश रचने के आरोप में माफिया अतीक अहमद की पेशी के लिए उसे गुजरात की साबरमती जेल से नैनी जेल लाया गया है। यूपी पुलिस का काफिला अतीक अहमद को लेकर 5:58 पर नैनी जेल पहुंचा। उमेश पाल हत्याकांड में होगी दोनों की पेशी। प्रयागराज की सीटीएम कोर्ट में अतीक अशरफ की पेशी। पुलिस वारंट बी के तहत कोर्ट से मांगेगी रिमांड। गुरुवार सुबह उसे कोर्ट में किया जाएगा पेश। प्रयागराज की जयंतीपुरम कॉलोनी में 24 फरवरी को उमेश पाल के दिन दहाड़े घर के बाहर गोली बम मारकर हत्या कर दी गई। मामले में अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ, अतीक की पत्नी शायस्ता परवीन समेत पूरा परिवार नामजद। हत्याकांड के मामले में पुलिस सबूत जुटा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने अतीक अहमद से पूछताछ के लिए एमपी एमएलए कोर्ट में एक हफ्ते पहले वारंट बी के तहत अर्जी दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने अर्जी स्वीकार कर ली थी। अतीक अहमद के गुर्गों पर ईडी का शिकंजा कस गया है। उनके ठिकानों पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत छापेमारी की है। अतीक के अंत की स्क्रिप्ट पर काम लगातार जारी, अब उसके गुर्गों का अंत भी हो रहा है। अतीक के गुर्गे लगातार पुलिस और ईडी के रडार पर। प्रयागराज में अतीक अहमद के गुर्गे के ठिकाने पर ईडी ने छापा मारा। कसारी मसारी की कालिंदीपुरम इलाके में अतीक के करीबी रिश्तेदार खालिद जफर के घर पर छापेमार कार्रवाई की गई। 120 फीट रोड पर खालिद जफर का घर है, जहां 3 मंजिला आलीशान बंगला बना है। खालिद जफर अतीक की बहन का दामाद भी है। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के खिलाफ चौतरफा कार्रवाइयां लगातार जारी है। हम इस वक्त प्रयागराज के कालिंदीपुरम इलाके में मौजूद हैं, जहां अतीक अहमद के करीबी रिश्तेदार खालिद जफर के घर पर ईडी की कार्रवाई, ईडी की छापेमारी चल रही है और करीब 1.5 दर्जन ईडी के अधिकारी हैं जो यहां पर पहुंचे हैं। इसके अलावा अतीक के करीबी गुरुफल प्रधान पर भी शिकंजा कसा गया। धूमनगंज के बाजवा गांव में छापेमार कार्रवाई की गई। वहीं धूमनगंज में ही शौकत हनीफ के ठिकानों पर भी रेड डाली गई। शौकत अतीक का बेहद करीबियों में गिना जाता है। इधर अतीक के अकाउंटेंट सीताराम शुक्ला के घर भी ईडी ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। भदोही में बाहुबली विजय मिश्र के करीबी का मकान कुर्क किया गया है। सुरेश केसरवानी का 2 करोड़ रुपए की कीमत का 2 मंजिला मकान कुर्क किया गया है। बाहुबली विजय मिश्रा और उसके करीबियों पर लगातार प्रशासन का शिकंजा कसा जा रहा है। पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा के करीबी सुरेश केसरवानी का 2 करोड़ कीमत का मकान पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर लिया। आरोप है कि आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से इस मकान का निर्माण कराया गया था। जेल में बंद पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा और उसके करीबियों की संपत्ति पर गैंगस्टर एक्ट के तहत लगातार कुर्की की जा रही है। इसी कड़ी में विजय मिश्रा का दाहिना हाथ माना जाने वाले सुरेश केसरवानी का 1-2 मंजिला मकान प्रशासन की टीम ने कुर्क किया। भदोही जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बताया जाता है कि करीब 2 करोड़ का ये 2 मंजिला मकान आधुनिक सुविधाओं से लैस है। जिलाधिकारी महोदय के आदेश से विजय मिश्रा के गैंग का सक्रिय सदस्य सुरेश केसरवानी का करीब 2.20 करोड़ के कीमत का जो आधुनिक सुविधाओं से युक्त जो मकान था, वो आज स्थानीय पुलिस और राजस्व की टीम के द्वारा कुर्क किया गया है। सुरेश केसरवानी 2006 से अपराध जगत में सक्रिय है। बाहुबली विजय मिश्रा का दाहिना हाथ है। विजय मिश्रा के अवैध कारोबार और राजनीति कार्यों में ये सहयोग करता है। यूपी में एक साथ 4 एनकाउंटर्स अपराधी में खौफ बढ़ गया है। बिजनौर, मथुरा, जौनपुर और कुशीनगर में अपराधियों पर कानूनी शिकंजा कसा है। 2.5 लाख का इनामी आदित्य राणा को